हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, तो चलिए आज पढ़ते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर टू, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, किस तरीके से हंटिंग, खाना और रहने का इंतजाम करते थे। सबसे पहले तो मैं बिफोर लाइक एक्सप्लेनिंग द चैप्टर में एक स्टोरी बताना चाहूँगा अबाउट दिस बॉय जिसका नाम है तुषार। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजिन्स वेडिंग। They were traveling by train and had managed to squeeze in the window seat, his nose glued to the glass pane. As he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago and that people began using buses a few decades later?" Tushar wondered, when people couldn't travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives whenever they were born? सो ये लड़का ट्रेन में बैठा था, शादी में जा रहा था दिल्ली से चेन्नई, विंडो सीट पे था, बाहर झांक रहा था। अचानक उसके अंकल पीछे आके उसको पूछते हैं, बेटा तुम्हें कुछ पता है कि ये ट्रेन्स जो है वो 150 इयर्स पहले चालू हुई थी, उसके कुछ सालों के बाद बस सेवा चालू हुई थी। तो इसके दिमाग में आए, तो क्या उस जमाने में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते ही नहीं थे, या तो कैसे जाते थे? तो ऐसा हुआ कि क्या उन्होंने अपनी लाइफ, पूरी लाइफ क्या एक ही जगह पर बिता दी? तो चलिए और ज्यादा जानते हैं पुराने जमाने के लोगों के बारे में। Why were they on the move? क्यों वो लोग move करते थे? We describe people who lived in subcontinents 2 million years ago as hunter gatherers. 2 million years पहले की बात है जिन लोगों को हम कहते थे, हम नहीं मतलब archaeologist, hunter gatherers मतलब शिकारी, फिर खाना इकट्ठा करते थे। This name has been provided because they hunted wild animals, but fish, birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs for their food. वो शिकार करते थे wild animals का, fish पकड़ते थे, as well as fruits और vegetables को इकट्ठा करके अपने घर में store भी करते थे, इसलिए उनका नाम है hunter gatherers. Hunter gatherers moved from place to place because of the following reasons. चलिए देखते हैं कौन से reasons थे। पहला reason है, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animals resources. अगर वो एक ही जगह पर रहते तो खाना खत्म हो जाता, जैसे वो समझ लो सारे पेड़ खा गए, पौधे खा गए, जानवर खा गए, तो बचा क्या उनके लिए, तो जाना पड़ेगा ना दूसरी जगह पर। Animals move from place to place, so these people had to follow their movements for hunting purpose. शिकार करने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था दूसरी जगहों पर। थर्ड पॉइंट, people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. Summer, winter, rainy season में उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग plants की खोज में जाना पड़ता था। People living on their banks would have had to go in search of water during the dry seasons from the places. Summer की season में अगर उनके आजू बाजू का जो तालाब या river है वो सूख जाएगा तो कहाँ जाएंगे? Obviously पानी ढूंढने के लिए कहीं गए होंगे। So ये सारे reasons थे, that's why they were moving here and there. Our next point, how do we know about these people? इन लोगों के बारे में जानकारी किसने दी, कौन लेकर आया इसकी जानकारी? मैं आपको बताता हूँ, वो लोग हैं archaeologist. Archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used. Archaeologists कई sites पे गए, खुदाई करी, जानकारी मिली उनके tools से कि वो क्या उपयोग करते थे और क्या खाते पीते थे, क्या बनाते थे। दे मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, उन्होंने पता लगाया कि वो स्टोन से बने हुए हथियार, वुड से बने हुए हथियार और बोन्स से बने हुए हथियार यूज करते थे। स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट, बोन, स्क्रैप बार्क, हाइड्स, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स। ये लोग स्टोन यूज करते थे मीट को कट करने के लिए, बोन्स को तोड़ने के लिए, पेड़ की छाल को काटने के लिए, एनिमल्स का स्किन को फाड़ने के लिए, फ्रूट्स रूट्स को कट करने के लिए इस पत्थर के हथियार का उपयोग करते थे। आप बच्चे देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे यहाँ पे स्टोन्स के फोटोग्राफ्स आपके लिए रखे हैं। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड्स, वुड्स की कटिंग होती थी। देखते हैं ये पत्थर के बारे में, सबसे पहला जो पत्थर है ए वाला, मतलब कि ये दो पत्थर, ये सबसे पुराने हैं जो मिले हैं। These are examples of the earliest stones. जो B वाले हैं यहाँ पर,
सो ये कुछ थाउजेंड ईयर्स लेटर उसके बाद मिले, फिर ये जो सी वाला है, सो ये उनके बी के बाद मिले सी वाले, इसके बाद आते हैं डी वाले, ये इनकी खोज करीबन आज से 10,000 साल पहले हुई, और लास्ट में मिले ये पत्थर कुछ साइट्स पे से, ये नेचुरल पेबल्स है, तो ये सब पत्थर का उपयोग होता था उस जमाने में। नेक्स्ट टॉपिक है चूजिंग अ प्लेस टू लीव इन, रहने के लिए किस तरह की जगह वो लोग पसंद करते थे उस जमाने में। पीपल प्रिफर टू लीव इन अ प्लेसेस हैविंग द फॉलोइंग अवेलेबिलिटी, क्या क्या सुविधाएं उनको चाहिए थी। सबसे पहले सुविधा है उनकी पानी की, जैसे रिवर और लेक्स के आजू बाजू में रहते थे। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स वॉज इजीली अवेलेबल, इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर हंटिंग, जहां पर पानी एज वेल एज पहाड़ों के ऊपर पत्थर मिलते थे, उस पत्थर से वो हथियार बनाते थे हंटिंग करने के लिए, आग जलाने के लिए। बच्चों यहां पर आप एक मैप देख सकते हो इंडिया का, नीचे इंडेक्स लिखा हुआ है, यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो रेड ट्राइंगल है वो है पैलियोलिथिक साइट्स, ब्लू स्क्वायर है वो नियोलिथिक साइट्स, सर्कल है ग्रीन कलर का मेगालिथिक साइट्स, यहाँ पर पर्पल कलर का जो सिंबल है वो अर्ली विलेजेस, और स्टार है वो मॉडर्न सिटीज के लिए बताया गया है। तो कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको भीमबेटका सबसे पुरानी चीज़ें हैं, फिर यहाँ है कुंसी, फिर ये है कर्नूल केव्स, ये सब पैलियोलिथिक साइट्स है, नियोलिथिक साइट्स, ये रही मेहरगढ़ पाकिस्तान में, फिर ये रही कश्मीर में, ये रही बहुत सारी इंडिया में साइट्स है, साउथ इंडिया में भी है, खाली गुजरात में कोई नहीं है ऐसे साइट्स, राइट। अर्ली विलेजेस भी बहुत सारे हैं, ये रहे हमारे अर्ली विलेजेस, मेगालिथिक साइट्स भी साउथ इंडिया में है। सो ये है मैप, ये मैप फिलिंग में आपको काम आएगा, यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। अब नेक्स्ट टॉपिक है उस जमाने की रॉक पेंटिंग्स और वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दिस अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन देयर वॉल्स, ये पॉइंट ये कहता है कि उस जमाने में पेंटिंग्स होती थी, और उसका प्रूफ है ये फोटोग्राफ्स, रियली में ये सारी पेंटिंग्स अवेलेबल है इंडिया में अलग अलग जगहों पर। ये पेंटिंग्स देखने पर पता चलता है कि उन लोगों की सोच क्या थी, वो क्या करते थे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आर मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जाना। दिस पेंटिंग शो द वाइल्ड एनिमल्स ड्रोन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, इससे पता चलता है कि वो लोग काफी, उनका ब्रेन बहुत डेवलप था इसलिए तो अच्छी ड्राइंग कर पाते थे। हियर यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ भीमबेटका का, एक गुफा है केव जो मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम है भीमबेटका। सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स, मतलब जहां पर वो लोग रह चुके हैं, आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड, दिस इंक्लूड केव्स एंड रॉक शेल्टर्स सच एज वन शोन हियर। पीपल चोज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज, ये पसंद क्यों करते हैं ऐसी जगह, बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर, घर मिलता, रेन से प्रोटेक्शन, हीट से प्रोटेक्शन, विंड से प्रोटेक्शन। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन द विद्यांस एंड द डेक्कन प्लेट्यू ऑल्सो, एमपी के अलावा और डेक्कन प्लेट्यू और विद्यांस में भी है। दिस रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, तो पानी भी मिलता था। तो ये एक एग्जाम्पल है, और भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं। उसके बाद आया नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, तो हमको कैसे पता कि वो लोग फायर जलाते थे ऐसे, उसका पता चला ऐश, ऐश का मतलब है राख। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से राख मिली है पुराने जमाने की, लकड़ी जली हुई, हड्डियां जली हुई, एनिमल्स के मतलब बहुत सारी बॉडीज जली हुई मिली हैं, जिसको जलाया गया था, लकड़ियां जलाई गई थी। दिस जस्ट प्रेसिस ऑफ ऐश शोज दैट द पीपल एट द टाइम हैव इन्वेंटेड द फायर, इट कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स। ये सब चीज़ें मिलने की वजह से हम कह सकते हैं कि उस जमाने के लोग फायर का इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले उनका मेन काम था सोर्स ऑफ लाइट, रात के अंधेरों में लाइट चाहिए तो आग जला लो। टू रोस्ट मीट, खाना पकाना है ये देख सकते हैं आप, उसके लिए। टू स्केयर अवे एनिमल्स, एनिमल्स को भगाने के लिए, आपको अगर स्टोरी याद है मोगली की, शेर खान को डराने के लिए वो आग का सहारा लेता है, कौन, मोगली, तो ये लोग भी आग का सहारा लेते थे।
archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period Paleolithic. पुराने जमाने के टाइम को वो लोग Paleolithic बोलते हैं. उन्होंने नाम दिया Paleolithic. Paleo का मतलब है old and lithos का मतलब है stone. ये कौन सी भाषा में? ग्रीक भाषा में. इसका मतलब है old stone. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. 2 million years ago से start हुआ था. ऐसा proof है. पक्का तो किसी को नहीं मालूम है. 2 million years ago से लेकर 12,000 साल पहले से का ये सफर है, उसे नाम दिया इन लोगों ने Paleolithic. This long stretch of time is divided into lower, middle and upper Paleolithic. उन लोगों ने तीन हिस्सों में divide कर दिया है. किसको? Paleolithic को. एक को lower, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम मिडल, और उसके बाद थोड़ा टाइम अपर में डाल दिया है. दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. ह्यूमन के बारे में जितनी भी जानकारी आपको चाहिए पैलियोलिथिक पीरियड में से आपको मिल जाएगी. बहुत लंबा समय था. द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो. उसके बाद दूसरा पीरियड आया, उसका नाम था मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज. जो फर्स्ट स्टोन एज था वो पैलियोलिथिक, उसके बाद जो दूसरा पीरियड आया 12,000 से लेकर 10,000 मतलब 2,000 साल का पीरियड है. आर्कियोलॉजिस्ट उसका नाम दे दिया है मेसोलिथिक. उसके बाद स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, और उनको नाम दे दिया गया माइक्रोलिथ्स. सो मिडल स्टोन एज में उनको जो हथियार मिले स्टोन के वो बहुत छोटे छोटे थे, और उनके नाम इन लोगों ने दे दिए माइक्रोलिथ्स, मतलब छोटे पत्थर के हथियार जो मेसोलिथिक जगहों पर मिले हैं, मतलब मेसोलिथिक पीरियड के हैं. माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड टू मेक टूल्स सच एज अ सॉ एंड सिकल. इसे हम कुहाड़ी बोलते हैं, पावड़ा बोलते हैं. ऐसी चीजें बनती थी छोटे छोटे पत्थर को आगे बांध कर रखने से. द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स, आज से 10,000 साल पहले को बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड. सो एक्चुअली आप देख सकते हैं पैलियोलिथिक, उसके बाद नाम आया मेसोलिथिक, उसके बाद नाम आया नियोलिथिक. इसकी डिटेल स्टडी आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताई जाएगी. अ चेंजिंग एनवायरमेंट आफ्टर दिस ईयर्स, मतलब कि आज से 10,000 साल पहले जो हुआ उसके बाद जो चेंज आया, आज से कुछ 12,000 साल पहले देयर वर अ मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड which led to the development of grasslands in many areas. एक ऐसा बदलाव आया कि जगह जगह पर grassland बन चुके थे. This also led to an increase in the number of animals that survived on the grass. Grass के ऊपर जो जिंदा रहने वाले animals की तादाद बढ़ चुकी थी. So people start thinking about herding and rearing of these animals. Herding and rearing का मतलब है herbivorous animals को पालना, उनको खिलाना और उनका यूज करना. तो उन लोगों ने कुछ ऐसा ही स्टार्ट कर दिया. उन्होंने शायद में फिशिंग भी किया अपने आप को, मतलब खाना प्रोवाइड करने के लिए. तो धीरे धीरे इनका काम हर्डिंग, रेयरिंग, फिशिंग भी उनके जीवन में आ चुका था बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस. फिर उन्होंने चालू किया फार्मिंग करना, हर्डिंग करना. विद द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रास लैंड पीपल केम टू नो अबाउट ग्रोइंग वीट. उनको वीट उगाना आ गया. बैरली मतलब बाजरा, राइस, ये सब उस जमाने में उगाते थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. दिस इज हाउ दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फार्मिंग. उनको जब पता लगा कि ये प्लांट खाने लायक है तो उन्होंने बड़े बड़े स्केल पे उसको उगाना और स्टोर करना शुरू कर दिया. पीपल ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाई लिविंग फूड फॉर देम नियर द शेल्टर्स. उन्होंने धीरे धीरे कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया अपने घरों में, उनको बांध के रखा, उनको भी खाना खिलाया. The first animal to be tamed was the wild ancestors of the dog. जंगली कुत्ते जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक कलर के इस पिक्चर में. Animals such as a sheep, goat, cattle, इन लोगों ने पिक सब कुछ पाल के रखा उस जमाने में. Often people protect these animals from attacks by the other wild animals. जब कोई wild animals इनके पालतू प्राणी को मतलब pet animal को अगर काटने आता है तो ये लोग उसको बचाते हैं. This is how they become herders. उसके बाद है next domestication. What is domestication? Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. जो लोग प्लांटिंग मतलब खेती भी करते हैं और एनिमल्स का लुकआउट, एनिमल्स को भी पालते हैं, उन्हें कहते हैं डोमेस्टिकेशन.
अब वो एक सोसाइटी जैसा बन लगा, डोमेस्टिक मतलब एक जगह पर रहना शुरू कर दिया। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंड बाई द पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज। जो वो लोग ऐसे प्लांट्स पौधे और एनिमल्स पसंद करते जिसको कोई डिसीज ना हो, जो जल्दी मर ना जाए। दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दे येल्ड लार्ज साइड ग्रेन्स, बड़े बड़े ग्रेन्स उगे ऐसे प्लांट्स पसंद करते। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टैक्स कैपेबल ऑफ बेरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन्स। मतलब वो ऐसे ही प्लांट सिलेक्ट करते जो साइज में बड़े हो और पक जाने के बाद उसको सहन करे, गिर ना जाए। सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू इंश्योर द न्यू प्लांट्स विल हैव टू बी सेम क्वालिटीज। वो उनको बचा के रखते, अपने पास स्टोर करके रखते, फिर नेक्स्ट सीजन में उसी सीड्स को इस्तेमाल करके और क्रॉप्स उगाते। नेक्स्ट पैराग्राफ, अमंगस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। जिनको लगते कि ये एनिमल ज़्यादा दूध दे रहा है या तो मांस दे रहा है, मीट दे रहा है, वो उनके दूसरे बच्चे पैदा करता ताकि वो भी उनकी तरह अच्छे हो। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो जंगल के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे ये अलग कैटेगरी में आ इंसानों के साथ उस जमाने में रहने लगे। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन द दोज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। उनको पता है कि सिंग, हॉर्न मतलब सिंग, टीथ जंगली एनिमल्स के ज्यादा बड़े होते हैं और खतरनाक होते हैं। थर्ड पैराग्राफ, डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे शुरुआत हुई इसकी और आगे बढ़ा। दैट प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टूडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। अगर उस जमाने में डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ था तो आज हमें इतना सारा दूध नहीं मिलता, एज वेल एज फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी नहीं मिलते। ये सब उनके डोमेस्टिकेशन का ही कारण है जिसकी वजह से आज हमको ये सब मिल रहा है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट एंड बैरले। सबसे पुराने प्लांट्स है वीट एंड बैरले जो फार्म में उगाए गए थे। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। डॉग के अलावा शीप और गोट सबसे पुराने हैं। न्यू वे ऑफ लाइफ, नई जिंदगी कैसे बदली। पीपल हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। धीरे धीरे डोमेस्टिकेटर तो हो गए, अब उनको लुक आफ्टर करने के लिए, पानी देने के लिए खेतों को, वीडिंग करने के लिए, ड्राइविंग अवे द एनिमल्स, बर्ड्स को भगाने के लिए उनको वहीं पर रहना पड़ता था। तो घर के कुछ लोग वहां रहते थे और कुछ लोग हंटिंग के लिए जाते थे। टिल द ग्रेन राइपन देन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द स्टोरिंग द ग्रेन्स फॉर फूड एंड सीड्स। दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट्स और डग पिट्स इन द ग्राउंड। उन लोगों ने क्या किया, जब इतना सारा क्रॉप होगा तो उसको स्टोर करने लगे। कैसे, क्ले पॉट्स बनाए, बास्केट्स बनाए, या तो जमीन में खड्डा खोद दिया उसके अंदर रखा। सो उनके दिमाग में जो जो आइडियाज उस जमाने में आए उन्होंने खाना स्टोर करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैग है जिसके अंदर स्टोर किया हुआ खाना है। स्टोरिंग एनिमल्स, वो लोग एनिमल्स को भी स्टोर करते थे। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, जो अच्छा एनिमल था वो अपने घर पे रखते, उसको मल्टीप्लाई करते एक से दो, दो से चार। बिसाइड्स दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क क्योंकि वो दूध देते थे, विच इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रेड कैन बी यूज एज अ स्टोर फूड। अगर आप अपने एनिमल्स को पालते हो तो आज नहीं तो कल वो, आज हर रोज दूध तो देते हैं पर हमारे पास कुछ खाना नहीं होगा तो हम उसको मार के उसका मीट भी खा सकते हैं, ये उनकी सोच थी, इसके लिए एनिमल्स को स्टोर करते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, कैसे पता चला कि कहां पर पहले फार्मिंग हुई, हर्डिंग हुई। सो यहां पर फिर से वही मैप है। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। ब्लू स्क्वायर्स मतलब नियोलिथिक साइट्स, ये रहा साउथ इंडिया में, बहुत सारी जगहों पे ब्लू स्क्वायर आपको दिखाई पड़ेगा। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। ये सभी जगहों से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को सबूत मिले हैं हर्डिंग और फार्मिंग के। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर में है ये जगह, बर्जा हम बोलते हैं, एंड ईस्ट और साउथ इंडिया में भी है।
टू फाइंड आउट वेदर दी साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट ने स्टडी किया दी एविडेंस, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के जो बोन्स मिले उसको स्टडी किया. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ द बर्नड ग्रेन, जलाए हुए ग्रेन की भी प्रूफ मिले हैं. साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स, साइंटिस्ट लोग पता लगा सकते हैं कि ये कौन से ग्रेन्स है. एंड सो वी नो दैट नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. सो साइंटिस्ट एक बार स्टडी करने बैठ गए तो वो पता लगा सकते हैं कि कौन से एनिमल का बोन है और कौन से प्लांट का वो सीड है. उसके बाद उनकी जो लाइफ है वो सेटलमेंट हो गई, मतलब सेटल लाइफ होने लगी. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेस एट सम साइट्स, कुछ जगहों पर शिकार के और घर भी मिले, कि वो लोग शिकार करते थे उसके हथियार एज वेल एज घर भी मिले. विच शोज दैट पीपल हैव अ स्टेबल लाइफ, उनको पता चल गया कि घर बनाया मतलब वो लोग यहाँ रहते थे, यहीं से जाते आते थे. दे हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड द आउटसाइड, मतलब चूल्हा जो घर के अंदर था और झोपड़पट्टी के बाहर और अंदर दोनों था. विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल यूज टू कुक फूड इधर इंडोर और आउटसाइड, वेदर की कंडीशन के हिसाब से वो लोग घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे, ये अनुमान लगाया है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने. सेकेंड पॉइंट है स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स, मेनी ऑफ दिस आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक. पैलियोलिथिक से अलग है इसलिए वो दूसरे पीरियड में आ गए, उसको दिया गया है नाम नियोलिथिक. दिस इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मोर्टर्स एंड पेस्टल्स, उनको तेज धारदार चमकीला बनाया था हथियार, ऐसे हथियार थे. मोर्टर्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टूडे, घरघंटी घंटी बनाते थे वो लोग ग्रेन्स को पिसने के लिए, उसको बोलते चक्की. अपार्ट फ्रॉम दिस टूल्स सम ऑफ द टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स, बोन से भी कुछ टूल्स बनाए गए थे उस जमाने में, ये सारी चीजें मिली है उनको उनके घर से. मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, दीज वर यूज फॉर डेकोरेशन एंड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, मिट्टी से बने पॉट्स जो जमीन में खड्डा खोद के अंदर रखते थे, अंदर वो लोग स्टोर करते थे बहुत सारी चीजें और उसको डेकोरेट भी करते थे वो लोग. पीपल ऑल्सो बिगेन वीविंग क्लॉथ, क्लॉथ बनाना भी सीख लिया था उन लोगों ने, यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटीरियल्स जैसे कि कॉटन से. सो इतनी सारी चीजें उन लोगों ने सीख ली थी इसलिए उनकी लाइफ वो सेटल हो चुकी थी एक जगह पर. लेट्स हैव अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है. मेहरगढ़ वॉज वन ऑफ द प्लेसेज वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बैरली, बैरली एंड वीट उगाना सीखा, शीप को पालना सीखा, गोट्स को पालना सीखा फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट एरिया. कहाँ पर? मेहरगढ़ में. एट दिस विलेज मेनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स हाउसेस. आप देख सकते हैं ये घर है, ऐसे घर मिले हैं वहां पर. इसके अलावा ऐसी लाशें मिली हैं जहां इंसानों के साथ एनिमल्स को भी दफनाया जाता था ताकि उसकी आत्मा को भी खाना मिले, ऐसा सोचकर. When people died, their relatives and friends pay respect to them. The dead person was buried with goats, which were probably meant to serve food in the next world. जो इंसान मर जाए उसके साथ साथ एक बकरी को भी मार कर दफना दिया जाता था ताकि वो जहाँ पर जाए उसको खाना उसके साथ मिले दूसरी दुनिया में. Several burial sites have been found in Mehrgarh. बहुत सारी ऐसी दफने हुई चीजें, दफन की गई चीजें मिल रही है और मिली है और आगे मिलती रहेगी मेहरगढ़ में. केव पेंटिंग्स इन फ्रांस, या पेंटिंग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है. फ्रांस का एक मैप निकालिए एटलास के अंदर. द पेंटिंग हियर इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस. दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स एगो. कुछ 100 साल पहले ये पेंटिंग 4 बच्चों को मिली थी कुछ गुफाओं में से. Paintings like this were made between 20,000 and 10,000 years ago, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट के ये कुछ 10-15,000 साल पुरानी पेंटिंग्स है. Many of these were of animals such as a wild horse, aurochs, मतलब के an older wild cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer, bear, ऐसे ऐसे पेंटिंग किए गए थे वॉल के ऊपर.
दिस कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स, ये कलर्स भी जो थे वो मिनरल्स से बनाए गए थे, मिनरल्स लाइक ओक्रे, आयरन ओर एंड चारकोल. इट इज पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग्स वर डन ऑन एन सेरेमोनियल ओकेजंस, परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय हंटर्स बिफोर दे वर वेंट इन सर्च ऑफ प्रे. किसी को नहीं पता है कि ये पेंटिंग्स क्यों बनाई थी, पर लगता है कि शायद कोई शिकार करने जाता उसके पहले ये ड्रॉ करते कि इसको शिकार करना है, या तो कोई स्पेशल ओकेजन पे ड्राइंग करते, या तो किसी राजा महाराजा या उनके जो हेड होते उसके कहने पर करते, या उनकी याद के लिए करते. ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इस पेंटिंग के लिए. एक और साइट है यहाँ पर है, वो न्यूलिथिक साइट है, आप देख सकते हैं पूरा विलेज. ये टर्की में है, आप मैप टर्की का गूगल पे या एटलास में निकाल सकते हैं. ये एक न्यूलिथिक साइट से कैटल हुयुक जो टर्की में मिला है. सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, कावरीज फ्रॉम द रेड सी, शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं अलग अलग जगहों की, जैसे रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, सीरिया से, ये यहाँ पर मिली है टर्की में. रिमेंबर देर वर नो कार्ड्स, उस जमाने में कार्ड्स मतलब ब्लॉक कार्ड्स नहीं थे, तो भी वो चीज़ आई कैसे. मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ पैक्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर लाद के, जैसे घोड़े गधे के ऊपर लाद कर लाई गई थी. वॉट डू यू थिंक कावरीज एंड शेल्स वुड हैव बीन यूज फॉर, कावरीज एंड शेल्स को क्यों यूज किया होगा, आपको क्या लगता है, जानने के लिए आप सोचिए, ढूंढिए, बुक्स में पढ़िए या तो इंटरनेट पर सर्च कीजिए. सो बच्चों आज का हमारा ये लेसन खत्म होता है, बहुत सारी जानकारी ले ली है हमने हमारे एंसेस्टर्स के बारे में. होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. If you like the video, share and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you.